अभी रेडी बैरिंग लॉक निकाल के इंजन बैरिंग निकालेंगे। अभी रेडी बैरिंग का लॉक लगाएंगे। इंजन बैरिंग का रेट है 901। अभी रेडी इंजन बैरिंग का रोलर बैरिंग लगाएंगे। अभी रेडी बॉल बैरिंग लगा के लॉक लगाने के बाद ऑयल सील लगाएंगे। अभी रेडी बैरिंग का कोन क्रैंक में लगाएंगे। अभी डेडी टाइमिंग शॉफ्ट के यहाँ पे ऑयल डाल के चेक कर रहे हैं कि कनेक्टिंग रॉड में ऑयल आता है या नहीं। ये क्रैंक में कनेक्टिंग किट नया लगाया है। ये गाड़ी में बॉडी बुश नया मारा है क्योंकि टाइमिंग शॉफ्ट और बॉडी में प्ले है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये वीडियो बुश मारने के पहले का है और ये गाड़ी में टाइमिंग पिन नया है, टैपेट वाल विद गाइड नया है। आप देख सकते हो ये पुराने टैपेट में टैपेट रॉड बैठने के जगह वो फैल गया है। ये देखो नए और पुराने टैपेट का फर्क। अभी रेडी टाइमिंग शॉफ्ट में ऑयल डाल के कनेक्टिंग रॉड का सर्कुलेशन चेक कर रहे हैं। अभी रेडी ये वाले केसिंग में रोलर बैरिंग लगाएंगे।
अभी डैडी इंजन केसिंग में स्टड सब लगाएंगे। क्रैंक देखो इसे कहते हैं क्रैंक। ये कितने किलो का क्रैंक है? वेट किया, वजन किया इसका? तो वजन नहीं किया रहेगा क्रैंक, वजन करने का? हाँ करने का, बस तार ब्रश मारने का। अंदर बार 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, और ये कोन, ये कोन के लिए, और ये है 200 ग्राम। तो क्रैंक है 8 किलो, 300 ग्राम। अभी डैडी पैकिंग लगा के केसिंग लगा के इंजन ज्वाइन करेंगे। अभी डैडी इंजन स्टार्ट लगा के टाइट करेंगे।
अभी डैडी पिनियन व्हील लगाएंगे। अभी डैडी कैम में लगा के सेटिंग करेंगे। अभी डैडी वॉमनट लगा रहे हैं। अभी डैडी टाइमिंग के और पैकिंग साफ कर रहे हैं। अभी डैडी ऑयल पंप खोलेंगे फिर सर्विस करके लगाएंगे। अभी डैडी ऑयल फिल्टर खोलेंगे फिर नया ऑयल फिल्टर लगाएंगे। अभी डैडी ऑयल पंप टाइमिंग कवर में असेंबल करेंगे।
अभी डैडी ऑयल फिल्टर लगाएंगे। अभी डैडी पैकिंग लगा के टाइमिंग कवर केसिंग में लगाएंगे। अभी डैडी फिल्टर प्लग लगाएंगे। आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।